हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश पिंड है। मैं आज जा रहा हूँ दुर्गा पूजा, जो दुर्गा पूजा है वो विसर्जन है। दोस्तों आज हम जाएंगे दुर्गा पूजा के विसर्जन में। दोस्तों आपको दिखाएंगे विसर्जन और विसर्जन कैसे होता है। तो देख सकते दोस्तों हमारे जो मिर्ज़ापुर के पहाड़ है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बहुत बड़ा तालाब है जो कि अभी सूख चुका है और अभी पानी बहुत है दोस्तों। और देख सकते तालाब है और बहुत पहाड़ है, यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मस्जिद भी है और आपको दिखाएंगे। चलिए दोस्तों Yeah.
देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारे रानी का दरबार आ गया है और यहाँ पर विसर्जन कर रहे हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दुकान भी लग चुका है जो कि चाट फुल्की समोसा और यहाँ पर लगा है। दोस्तों यहाँ पर विसर्जन करके और लोग यहाँ पर खाएंगे, नाश्ता करेंगे और समोसा है, जैसे दोस्तों चाउमीन है, समोसा है, सब कुछ है यहाँ पर। एक यहाँ पर एक मेला लगा हुआ है और दोस्तों यहीं पर विसर्जन होता है जो कि यहाँ का नाम है खरंजा, खरंजा फाल है दोस्तों। तो यहाँ पर खरंजा में विसर्जन करेंगे। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं पूरा मेला सा लगा हुआ है और यहाँ पर विसर्जन कर रहे हैं, बहुत पूरे मिर्ज़ापुर के विसर्जन लोग कर रहे हैं यहाँ पर और देख सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये मिर्ज़ापुर का ये माता रानी का मंदिर मूर्ति है और यहीं पर विसर्जन होगा, आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी है, सब बहुत सारे यहाँ पर सब आ रहे हैं और आते ही जा रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन भी है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं प्रशासन भी है और यहाँ पर पूरे पंडाल के साथ और यहाँ पर विसर्जन हो रहा है और आपको दिखाएंगे विसर्जन कैसे होता है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर विसर्जन जारी है, आप देख सकते हैं छोटे छोटे गाड़ी में, बड़े बड़े गाड़ी में लेके लोग आए हैं और यहाँ पर माता रानी का विसर्जन कर रहे हैं। जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनके समथिंग का नाम नोट नहीं हुआ है, पांडाल में आके अपना नाम पता है क्या नोट करा दे और बाकी लोग विसर्जन। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर विसर्जन हो चुका है और आप लोग देखें विसर्जन कैसे हुआ है और यहाँ पर भी होने वाला है। दोस्तों बहुत सारे मूर्तियाँ यहाँ पर अभी लाइन में खड़ी हैं और यहाँ पर सबका अलग अलग है और यहाँ पर लोग विसर्जन करा रहे हैं। दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं कमलेश बिंद ब्लॉक ये देखिए 1150 मैं भी आपको कर लेता हूँ।
दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर माता रानी का मूर्ति आ चुका है और यहाँ विसर्जन करेंगे। दोस्तों आप लोगों को देखे हैं कि विसर्जन एक ये हैं और तैयारी करके पूरा विसर्जन करते हैं और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पूरा विसर्जन कर रहे हैं और यहाँ पर प्रशासन भी है, सब कुछ है और लोग यहाँ पर विसर्जन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहाड़ी इलाका है जो कि मिर्ज़ापुर में है हम रहता हूँ और ये जो बंधा है उसको खजली बंधा भी बोलते हैं और आगे आपको मिलेगा खजली बंधा खंडा खाल और ये है खजली बंधा है आगे जो पहाड़ है, जो पहाड़ है उसके आगे है खजली बंधा और इस तरफ है खंडा फाल। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये माता रानी का यहाँ पर मूर्ति आ चुका है। यहाँ माता रानी के कलश है और यहाँ पर लोग यहाँ पर पूजा करेंगे, दीपक जलाएंगे, उसके बाद फिर करेंगे। और देख सकते हैं एक बंदा विकलांग है जो कि अंदर घुस चुका है। होता है और देख सकते हैं कितना माता रानी का विसर्जन हो चुका है और यहाँ पर बाकी है और देख सकते हैं यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, पंडित जी भी आ गए हैं और यहाँ पर पूजा पाठ होगा। मैया के नारा भी लगा रहे हैं। बोलो दुर्गा मैया।
सर्जन करिए, कृपया आगे अपना नाम बताए क्या नोट करा करके आप अपना मूर्ति उतारने का कार्य करें। ये जो टेंडर जो आ रहा है सामने घाट नंबर 5 पे ले जाइए और इसके समिति के अध्यक्ष नाम बताए क्या नोट करा देंगे और बाकी तेजी से मूर्ति उतारने का कार्य और विसर्जन कराने का काम करेंगे। ठीक है आप लोग भैया आप पहुंचिए 5 नंबर घाट पर, वही चेक करना पड़ेगा और उधर से ही रास्ता है। दोस्तों देखते हैं न्यूज़ वाले आए हैं यहाँ पर अपना दिखाने के लिए और एक्सप्रेस न्यूज़ वाले हैं दोस्तों। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर पूरे दिन भर विसर्जन होता रहेगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और हमारे नए चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को यही पर करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय माँ दुर्गा।